सुना है एक बंदा आजकल कसमें खा रहा है, मैं कुरान उठाता हूँ, मैंने कोई साजिश नहीं की। हाय बेबसी, हाय कसमें क्यों खा रहे हो? जो नहीं मानता उसे उठवा लो, उसे गायब करवा दो, उसे मरवा दो, कंट्रोल कर लो। यही करते थे ना तुम। तुम्हारा एक हुक्म होता था, रियासत तहबाला हो जाती थी। स्याह को सफेद कहते थे तो रियासती मशीनरी स्याह को सफेद कर देती थी। सफेद को स्याह कहते थे तो सफेद को स्याह कर दिया जाता था। आज जिन साफियों के आगे कसमें खा रहे हो, उनको तो तुम एक इशारा करते थे, तुम्हारे एक इशारे की मार हुआ करते थे वो। फिर क्या हुआ, कसमें क्यों खा रहे हो आज उनके आगे? चली गई ना पावर। वैसे वो जिसको निकाला था वो बंदा जेल में है, वो कसमें भी नहीं खाता। उसकी एक बात बाहर आती है 24 करोड़ यकीन कर लेते हैं। तुम बाहर हो, आजाद हो, कसमें खा रहे हो, कुरान उठा रहे हो, 24 करोड़ में से एक भी यकीन नहीं कर रहा। कसमें ना उठाओ, सिर्फ एक कुरान ना उठाओ, सर पर 10-10 कुरान रखकर इस मुल्क के शहर शहर, गली गली, सड़क सड़क, एक एक घर जाकर कुंडी खड़का कर लोगों को दिखाओ कि ये देखो मैंने सर पर कुरान रखे हैं, मेरा यकीन कर लो, मैंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। तो इस मुल्क का एक फकत एक बंदा भी यकीन करने को तैयार नहीं है। तुम काबे की छत पर खड़े हो जाओ, कुरान उठाओ, इस कौम को तुम पर यकीन नहीं आना। जो तुम हलफ की खिलाफ वर्जी करते हो, तुम्हारे नजदीक कसमें तो बिस्किट है, तुम्हारे नजदीक कुरान की हैसियत किसी आम किताब से ज्यादा तो नहीं है। तरस आता है एक इंतहा का ताकतवर बंदा आज कसमें खाने पर उतर आया है। ऑर्डर करने वाला, ओ हो जा कहने वाला जमीनी खुदा आज कसमें खाने निकल पड़ा है। तो ये सबक सब याद कर लो कि ये तख्त ताज को दमाम नहीं होता, दमाम सिर्फ उस जात को होता है।